सिक्सथ क्लास चैप्टर एट रूलर लेवलीहुड पार्ट टू इसमें हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की हालत के बारे में पहले पार्ट में बताया गया फार्मर्स और पुअरेस्ट फार्मर्स और जिनके पास लैंड नहीं होती उनके बारे में नाउ वी हैव कैपिटल इन डीड इन फार्मिंग अब कैपिटल की कैसे जरूरत पड़ती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश दैन बिफोर दिस इज बिकॉज ट्रडिशनल मैथड्स रिक्वायर ट्रडिशनल सीड विच रिक्वायर्ड लेस्ट इरीगेशन मॉडर्न फार्मिंग के लिए जो मैथड है रिक्वायर होते हैं फार्मर्स को उसके लिए उन्हें काफ़ी कैश लगता है तो इसी लिए वो हमेशा अपना ट्रडिशनल मैथड अपनाते हैं और ट्रडिशनल मैथड में उन्हें सीड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है हारवेस्टिंग करने के लिए फार्मर्स यूज काव डस एंड अदर नेचुरल मेन्यज फर्टिलाइज़र ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर एंड दे डो नाट हैव टू बाय दम मतलब ये सब उनके पास होता है उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं होती बट इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड फार्मर रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वॉटर कैमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट फार्मर हैव टू सेटअप ट्यूबवेल्स इन देर फील्ड फॉर इरीगेशन दे ऑल्सो हैव टू बाय फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड ट्रेशर्स डेट मेक प्लगिंग एंड हारवेस्टिंग फास्टर एंड ईजियर मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है द पीपल इंगेज इन फार्मिंग मैनेज कैपिटल इन द फॉलोइंग वेज तो जो पीपल uh, जो लोग फार्मिंग में मैनेज मतलब इंगेज uh, होते हैं मतलब वो कैप से कैपिटल को मैनेज करते हैं स्मॉल फार्मर्स दे डू नॉट हैव सेविंग दे हैव टू बोरो मनी फॉर्म फार्मिंग दे जर्नरली बोरो फ्राम द लार्ज फार्मर्स विलेज मनी लैंडर्स और द लीडर्स यानी कि जिन फार्मर्स के पास स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता है उन्हें फार्मिंग करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो मनी लेंडर या लार्ज फार्मर्स से पैसा लेते हैं डेबिट ट्रैप अब पैसे लेने का क्या तरीका है स्मॉल फार्मर ऑलवेज फॉल इन डेबिट ट्रैप दिस हैज़ नो मनी रीजन मनी रीजन दिस हैज़ सो मनी रीज़न मतलब इसके कफ़ी रीज़न्ते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो मच लोन्स इन वेरी हाई जो पैसे देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मतलब अगर हम बात करें तो कफ मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है द ट्रेडर गिफ्ट दैम लोन ऑन अ टफ़ कंडीशन और जो ट्रेडर्स होते हैं वो उन्हें काफ़ी uh, मुश्किल भरी uh, re, मतलब कंडीशन पे मतलब कुछ ना कुछ फालतू कंडीशंस में जो सामने वाले के लिए टफ़ हो सकते हैं उस कंडीशन पे पैसा देते हैं द ट्रेडर गिफ्ट सेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एज अ लोन वो ये सब सामान उन्हें एज ए लोन देते हैं यानी कि आपको पे करना होता है थ्रू तो बे बैक दिस लोन फार्मर नीड टू तो सेल मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू तो देम एट अ लोअर रेट दैन द मार्केट प्राइस यानी कि इस वजह से उन्हें अपने यहाँ की जो भी खेती होती है उसको इन लोगों को एज ए लोन बकाया देना पड़ता है वो भी बहुत कम पैसों में द रिमेनिंग पार्ट इज फॉर देयर सब सस्टेनेंस विच इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द होल ईयर और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इनके सर्वाइवर के लिए सारे साल के लिए काफ़ी नहीं होता दे ऑफन सफर फ्रॉम मेजर क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू अन ऑफ गुड क्वालिटी सीड और बिकॉज ऑफ पेस्ट अटैक ऑन द क्रॉप कई बार ये सफ़र भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो क्रॉप होती है ख़राब हो जाती है या तो गुड क्वालिटी सीड नहीं होता है या फिर कीड़े लग जाते हैं द क्रॉप ऑल्सो गेट रूइ इन द मानसून डज नॉट ब्रिंक इनअ रेन अगर बारिश भी नहीं होती तो इस वजह से भी खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ द अबव रीजन द स्मॉल फार्मर आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिली दे हैव टू बोरो इवन मोर मनी इन दिस वे द लोन बिकम सो मच द दैट दे आर अनएबल टू रिपेट बस अब फार्मिंग नहीं हुई तो बेच नहीं पाए सर्वाइवल नहीं हो पाए और अपने घर को चलाने के लिए ये लोग और लोन लेते हैं और इनके ऊपर ये बर्डन बढ़ता जाता है दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ डेबिट ट्रैप इसे कहते हैं डेबिट ट्रैप इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर स्पेशली इन महाराष्ट्र वे आर मैनी फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इट इज़ राइटली सेट दैट इंडियन फार्मर अब बॉर्न इन डेबिट लिव इन डेबिट एंड डाई इन डेबिट यानी कि कर्ज में ही डूबे रहते हैं हर वक्त मतलब वो पैदा हुए तो कर्ज के साथ हुए जिए तो कर्ज़ में जिए और मर भी गए तो सिर्फ कर्ज की वजह से रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया अबाउट एटी परसेंट ऑफ द फार्मर स्मॉल फार्मर हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टिवेशन दे गवर्नमेंट शुड हेल्प देम स्पेशली वेन दे गेट इन टू डेबिट यानी कि अब इन्हें गवर्नमेंट से पैसा चाहिए होता है तो डेबिट से यानी कि कर्ज से निकालने के लिए गवर्नमेंट इन्हें हेल्प करती है इट कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वे The government should provide them loans at cheap rate of interest so that they do not get into the trap of village money lender or trader. Government in इने कम से कम इंटरेस्ट uh, रेट पे लोन देती है ताकि ये विलेज uh, के मनीलेंडर्स के चक्कर में उनके डेबिट ट्रैप में ना फंस जाएं. The government should honestly implement the crop insurance scheme. उन्होंने बहुत तेजी से एक crop insurance scheme करी. It should bring one लेजिस्शन टू क्रैप द अनफेयर बिहेवियर ऑफ द विलेज मनी लेंडर और ट्रेडर सो दैट दे कैन नॉट चार्ज अ वेरी हाई इंटरेस्ट एंड इम्पोज टफ कंडीशन इसके खिलाफ एक मतलब एक नियम भी आया जिसमें ये जो ट्रेडर हैं मनी लेंडर हैं काफ़ी ज़्यादा लोन पे इंटरेस्ट रेट ना लें और टफ कंडीशंस में लोन ना दें इ शुड इंस्ट्रक्ट द बैंक टू गिव अ स्मॉल फार्म स्पेशलेशन टू प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल गवर्नमेंट्स ने बैंकों को भी आदेश दिए कि वो स्मॉल फार्मर्स को नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन में कोलाटल में हेल्प करें लोन देने में इन द केस ऑफ़ क्रॉप फेलियर अ पार्ट ऑफ द लोन शुड बी वेव्ड ऑफ अब अगर क्रॉप खराब हो जाती है यानी कि जो वेजिटेशन हुआ है जो भी खेती हुई है वो खराब हो जाती है तो ये लोन वेव भी हो सकता है द गवर्नमेंट शुड मेक द स्मॉल फार्मर अवेयर अबाउट द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अब गवर्नमेंट स्मॉल फार्मर्स को ये मॉडर्न टेक्निक्स के uh, मतलब भी सिखाती है उन्हें पता चले कि इनके बेनिफिट क्या हैं द मीडिया में द लार्ज फार्मर अब हम बात हैं दो फार्मर्स की दे हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग सो दे आर एबल टू अरेंज फ्रॉम द कैपिटल इन डीट जनरली देयर प्रोडक्शन इज मोर देन देयर कंजम्प्शन सो दे सेल देयर सरप्लस प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड ऑन मनी इट इज़ देयर सेविंग इन दिस वे द ऑप्टेन कैपिटल फ्राम देयर पास सेविंग फॉर फार्मिंग मतलब इन लोगों के पास खुद की सेविंग होती है इनकी क्रॉप इतनी ज़्यादा होती है कि इनको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये उसी को बेच के उसी से पैसा कमाते हैं और उसी पैसे को अपने और और इनकम मतलब फार्मिंग में लगाते हैं तो ये इस तरह ही अपनी पास सेविंग से पैसा लगा के कमा के आगे बढ़ते रहते हैं Okay, we have a terrace farming or a cultivation. The farming in the which uh, the land on a hill slope is made into a flat plot and carved out in a step. The side of each plot is raised in the order to retain water in the field. This is the best rice cultivation. This is a something a terrace farming. Known farming activities. Are कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी रूरल एरियाज़ में होती है मतलब सब सिर्फ खेती ही नहीं करते रहते पीपल इन रूरल एरियाज़ आर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वर्किंग पीपल इन रूलर एरिया डिपेंड अपॉन नॉन फार्म एक्टिविटी फॉर द लिवलीहुड मतलब अपने जीने के लिए नॉन फार्म एक्टिविटी पर भी काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं दी मेन एक्टिविटी आर मेकिंग बास्केट यूटेंसिल पॉड ब्रिक्स ब्लॉक्स कार्ट एसेट्रा ये सब बनाने का काम है सम पीपल आर इंगेज ऑन डेरी स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरिंग ऑफ टॉय शूज रेडीमेड गार्मेंट एसेट्रा ये सब भी काम करते हैं सो पीपल प्रोवाइड सर्विस लाइक blacksmith, washerman, weavers, trailer, barber, cycle repair, machine tech, uh, teachers, doctor, nurse, and so on. Mother, is ki jobs bhi hai karte hai. some people work as construction worker, while some others are engaged in transportation and shopkeeping. many people in the rural area also depend on collection from the forest, dairy produce, fishing, etc. for example, in central india, apart from farming collection, the forest produce, produce such as mawa, तेंदू लीवस हनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम फ्रॉम द पीपल मतलब ये सब करने का भी एडिशनल इनकम जो है रूरल एरिया के लोगों का लिवलीहुड है यानी कि अपने जीने या, यापन का काम सिमिलरली इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड कोस्टल एरिया मैनी रूरल फार्मर डिपेंड ऑन फिशिंग इसी तरह इस एरिया के लोग फिशिंग पर भी डिपेंड है मतलब फ़िशिंग करके वो अपना पैसा कमाते हैं वी हैव सम फिशिंग फैमिली टॉपिक ओके Bal Bahadurpur is a small village in Bihar. It consists of some fishing families. Pritham gets up 4 o'clock in the morning and goes in the nearby river Kamala for fishing. He comes back at around 8 o'clock with his catch. He keeps aside some fish from the family and auction the, ret the rest. He keeps one fourth of the auction money for equipment like boats net etc recently he has taken a loan from the bank to purchase an engine to fix on the boat so that he can get a better catch he pref preferred to take a loan from bank because it charged lower rate of interest than the village money lender or a trader also it does not impose any unfair conditions like them in the afternoon pritham and his relative gather to repair their net सम विलेज वुमेन बाई फिश हेयर एंड कैरी इट एन अ बास्ट टू बी सेल इन बाई विलेज एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून सीजन दिस पीपल डो नॉट गो टू द रिवर टू कैच फिश बिकॉज दिस इज अ सीजन वेन द फिश ब्रीड ड्यूरिंग दिस मंथ दे सर्वाइव बाई बोरिंग फ्राम द ट्रेडर फॉर दिस दे आर बाउंड टू सेल द फिश टू ट्रेडर एट अ लोअर रेट एंड देन द मार्केट प्राइस ये प्रीतम के बारे में है बिहार के एक बल सॉरी बल बहादुरपुर छोटे से विलेज में प्रीतम हैं जो अपने जीने के लिए का करते हैं फिशेस कैच करते हैं सुबह चार बजे जाते हैं आठ बजे आते हैं अपने कैच के साथ कुछ फिशेस अपने फैमिली के लिए रखने के लिए बाकी फिशेस वो अपने बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं ताकि वो अपना जो डेली रूटीन है डेली जीवन है वो चला सकें पैसा कुछ कमा सकें आफ्टरनून में प्रीतम जो है अपना नेट कुछ दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ मिलकर ठीक करते हैं और कुछ औरतें बाजार में जाके मछलियाँ बेचती हैं और ये जो है लोन लेते हैं मतलब अपने बोर्ड में मशीन लगाने का लोन बैंक से लेते हैं क्योंकि बैंक वाले लोअर रेट इंटरेस्ट पर इन्हें लोन देते हैं और बिना फालतू की कंडीशनस के तो अब बाकी मानसून में ये नहीं जाते क्योंकि इस टाइम पे जो फिशेस हैं वो बह जाती हैं मतलब चली जाती हैं समुद्र किनारे नहीं होती हैं और ज़्यादा समुद्र में भी नहीं होती हैं और फिर इस टाइम पे इन्हें लोन लेना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए और इनको जो मनी लेंडर्स हैं उन्हें फ़िश को कम रेट में बेचना पड़ता है तो ये तो थी रूरल लेवलीहुड यानी कि रूरल एरिया में जीने वाले लोगों के बारे में आ, बाकी ये तो इस चैप्टर में इतना ही है बाकी और चैप्टर्स के लिए और तो नॉलेज के लिए सनराइज़ इंटरनेशनल ज़रूर देखिए